हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बोनतस किचन। आप सबको स्वागत है बोनतस किचन में। चलिए मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, आलू चॉप या आलू बड़ा भी बोल सकती हूँ उसे। आप मेरी रेसिपी को पूरी तरह से देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरी रेसिपी को आप शेयर करें, लाइक करें, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए रेसिपी को देखते हैं, कैसे बनाते हैं आपको दिखाता हूँ। पैन मैंने गर्म करने के लिए बिठा दिया है। इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे, आप चाहे रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिए हमने। इसे हम गर्म होने के लिए छोड़ते हैं। तेल गर्म हो गए, हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। चार मीडियम साइज का आलू ले लिया हूँ मैंने यहाँ पर बॉईल करके। इसे हम थोड़ा क्रश करके इसमें डालेंगे। क्रश कर दिए हमने, इसमें अब हम इसमें डाल देते हैं तेल में। आलू को थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। फ्लेम मीडियम रखेंगे, इसमें अच्छी तरह से आलू को फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आलू को थोड़ा प्रेस कर करके अच्छी तरह से फ्राई कर लें। थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं इसमें। स्वाद अनुसार से नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से इसमें नमक हल्दी को मिला ले, मिला के आलू को फ्राई करते रहेंगे। आलू हमारा फ्राई हो रहे हैं, आइए बेसन का बैटर बना लेते हैं। हम थोड़ा थिक बैटर बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर 4 चम्मच बेसन ले लिए हैं। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी, बेसन के नमक स्वाद अनुसार इसे डाल के हम अच्छी तरह से मिला के इसमें अब हम पानी डाल के बैटर बना लेंगे। थोड़ी सी अजवाइन इसमें डाल दें। अब इससे बेसन को हम अब थिक बैटर पानी डाल के थिक बैटर इसको बना लेंगे। आइए हम इसका बैटर बना लेते हैं पूरी अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स कर करके आप इसका बैटर बनाएं, ताकि आप समझ में आए जो लिक्विड ना हो जाए, थोड़ा थिक बैटर बनाना है। देखिए मैंने बेसन का बैटर बना लिए हैं, पूरे इस तरह से रखें और बबल्स ना आए इसका बेसन में, गांठ ना रहे, पूरी अच्छी तरह से एकदम मिला लें। इस तरह से आपका बैटर बना के रख दें। चलिए हम आलू को देखते हैं। आलू में हम इस तरह से मसाला डालेंगे, जो इसमें 1 ऑनियन है, कुछ 10-12 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, 2 कच्ची मिर्ची, इसको दरदरा हम थोड़ा पीस लिए हैं, इसको हम आलू में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिला लें, अच्छी तरह से फ्राई करें, इसका कच्चापन जब तक ना निकले।
अब इसमें हाफ चम्मच कोरिएंडर पाउडर या धनिया पाउडर, ये भुना हुआ जीरा और सूखा मिर्च को हम भून के इसका पाउडर बना के ये भी हाफ चम्मच डाल देते हैं, तो इसका टेस्ट कुछ अलग आते हैं, अच्छा सा टेस्ट खाने के टाइम आता है। आप इसे ट्राई करें, कैसे लगे आपको कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन है उसे आप दबाइए ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर भी करें। चलिए हम आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब थोड़ा पेशेंस रख के से टाइम लेके थोड़ा आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लें, मसाला का आपका फ्लेवर जब नहीं आए अच्छी तरह से पक जाए तभी आप समझेंगे तो ये बन गए हैं। आलू हमारा रेडी हो गए हैं, चलिए इसे अब हम ठंडा कर लेते हैं। रिफाइंड ऑयल हम गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं, इसे हम गर्म करते हैं। चलिए अब हम आलू का इस तरह से हम पीनट मतलब बादाम हमने रोस्ट करके रखे हैं थोड़े से तेल में, अब इस तरह से रोस्ट करके अब इसे हम डाल दें। आलू ठंडा हो गया हमारा, आलू पे हम मिक्स कर लेते हैं पीनट्स को। बेसन का भी हम थोड़ा अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए बेसन को थोड़ा हम रखे थे, इसके लिए बेसन थोड़ा फूल गए हैं हमारा। आलू को हम थोड़ा सा लेके इसका हम बॉल बना के इस तरह से जौड़ी ले ले, अब एक काट ले, काटने के बाद इस तरह से फ्लैट प्लेट एक ले ले, उसके ऊपर आलू को रखने के बाद बॉल का हाथ से ऐसे प्रेस कर दे अच्छी तरह से। प्रेस करने के बाद आपको एक अच्छा साइज मिल जाएंगे, फिर आप इसे बेसन में डाल देंगे। इस तरह से हम बना लेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे, इस तरह से हमारे बन जाएंगे। फिर आलू में हम इस तरह से डाल के इसे कोट कर लेंगे अच्छी तरह से। चलिए अब हम इसे तेल में डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गए हैं, आइए इसी तरह से हम इसे बेसन को डुबा के डाल देते हैं। हमने डाल दिए और एक डाल दिए उसी तरह से, मीडियम फ्लेम रखे, मीडियम फ्लेम रखे नहीं तो नीचे पूरी से चिपक जाएंगे। हम पलट देंगे थोड़े से, चलिए इसी तरह से हम छान लेते हैं आलू बड़ा को। अब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पूरी वीडियो को देखें। इस तरह से बॉल को लें, मैं आपको और एक बार दिखा दूं ताकि कंफ्यूज ना हो आपको। इस तरह लेके हल्का हाथ से आप प्रेस कर लें तरह से, देखिए ये हमारे बन गए हैं। इसे इस तरह से हम बना के बेसन में डाल के तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। चलिए बड़ा हमारा फ्राई हो गया है, दोनों तरफ अच्छी तरह से कर लिए, इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी तरह से हम और जो दूसरे हैं उसे हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए ये हमारा आलू बड़ा बन गए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा है। आप इसको पाव के साथ भी खा सकते हैं, पॉप राइस या टी कॉफ़ी गरम गरम उसके साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छा देखने में भी अच्छा है, बहुत ही सिंपल है, ईजी है, फटाफट बन जाते हैं। आप भी बनाइए, ट्राई करिए, खाइए, कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड्स।